सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिक एट डिंग जॉन 75। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ डार्क मोडी ऑरेंज एडिटिंग। ओके फ्रेंड्स, इस टाइप की एडिटिंग आप कैसे कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले वाला जो फोटो आपको दिखा देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये फोटो आप देख सकते हो, ये बहुत ही डल फोटो है। फ्रेंड्स, ये DSLR का फोटो था, बट इसमें कलर ना ही होने की वजह से फोटो थोड़ा सा डल लग रहा है। तो इसको हम लाइटरूम की मदद से इस टाइप की एडिटिंग करके बहुत ही ऑसम बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, किस तरीके से हम इस टाइप की एडिटिंग करेंगे, तो एडिटिंग सीखने के लिए मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लो। ओके, एंड इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो भी इस टाइप की फोटो एडिटिंग सीख सकेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको समझ आएगा। तो फ्रेंड्स, समझ आए तो इस टाइप की एडिटिंग आप जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने जो फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लेना। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि हम जो कलर एडिटिंग करने वाले वो सिर्फ लाइटरूम की मदद से करने वाले। सो फ्रेंड्स, इसको हमने लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लिया। देन फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले इसका लाइट एडजस्टिंग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमको लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। देन फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा करना है, यहाँ पर प्लस के 0.20 ईवेयर को रख लेना। फ्रेंड्स, इसका कॉन्ट्रास्ट है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। देन इसका हाईलाइट को फ्रेंड्स कम करेंगे। ओके फ्रेंड्स, एंड इसका शेडो को फ्रेंड्स इंक्रीज करेंगे। फ्रेंड्स, थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, 30 तक रख लेना। ओके, एंड इसका वाइट को इंक्रीज करेंगे एंड ब्लैक्स को कम, सॉरी फ्रेंड्स, इसका ब्लैक्स को थोड़ा सा इंक्रीज की ओर रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, देन क्या करना है, हमको कलर वाले ऑप्शन पे चले आना है। ओके, एंड क्या करना है फ्रेंड्स, इसका वाइब्रेंस है फ्रेंड्स, इसको इंक्रीज कर लेना है। एंड इसका सैचुरेशन को भी इंक्रीज कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। ओके फ्रेंड्स, हमारा जो यहाँ पर लाइट एडजस्ट हो गया। देन फ्रेंड्स, यहाँ पर कलर मिक्स में ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड सेकेंड वाले ऑप्शन का जो सेचुरेशन है माइनस की ओर रखेंगे। ओके, एंड इसका लुमिनस को इंक्रीज कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ग्रीन टोन है हमारा, उसको हमको ह्यू को उसका फुल माइनस कर देना है। एंड सेचुरेशन को, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर येलो टोन पे आके इसको थोड़ा सा माइनस की ओर रख के इसका सेचुरेशन को फुल कर देंगे। सॉरी फ्रेंड्स, ज़्यादा फुल नहीं करना है, अपने हिसाब से देख लेना। तो फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा माइनस की ओर ही रहने देंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद ग्रीन टोन है, इसका भी थोड़ा सा हम सेचुरेशन को फुल कर देंगे बिफोर एंड आफ्टर। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारे फोटो में कितना ज़्यादा परिवर्तन आ चुका है। देन फ्रेंड्स, क्या करना है हमको, इस ब्लू वाले टोन पे आना एंड इसका सेचुरेशन फुल माइनस कर देना। ओके, एंड इस वाले फिफ्थ वाले टूल पे आना एंड इसका भी सेचुरेशन को माइनस कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस फोटो को जूम करके देख सकते हो, यहाँ पर कलर हमारा अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपका दूसरा फोटो का मुझे पता है तो आप अपने हिसाब से कलर डाल सकते हो। तो यहाँ से इसको डन कर देंगे। ओके, एंड यहाँ पर इस विगनेट वाले ऑप्शन पे आना है एंड फ्रेंड्स, इसका टेक्सचर को इंक्रीज कर देना है। ओके फ्रेंड्स, देन फ्रेंड्स, इसका क्लियरिटी को भी इंक्रीज करना है एंड इसका डेजो को भी बढ़ा देंगे। देन फ्रेंड्स, इसका विगनेट को माइनस की ओर रखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें हमारा जो फोटो है उसमें डार्कनेस चलाएगा, जिससे हमारा फोटो और भी अच्छा लगेगा। देन फ्रेंड्स, इसका मिड पॉइंट है, उसको बढ़ा देना। ओके, एंड क्या करना है, यहाँ से हमको शार्पनिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है एंड इसका शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ाना है। फ्रेंड्स, 19 तक रख लेना है एंड इसका मास्किंग भी 19 तक रखना है। ओके, तो फ्रेंड्स, मैं इसको भी 18 के आसपास रख लेता हूँ। ओके, देन फ्रेंड्स, यहाँ पर नॉइज़ रिडक्शन को फुल कर देना। फ्रेंड्स, अपने हिसाब से इसको बढ़ाना, क्योंकि ये इससे हमारा फेस स्मूथ होता है। फ्रेंड्स, आपके फेस में कितना स्मूथनेस चाहिए वो आप पर निर्भर करता है, तो आप भी उसी टाइप से इसका नॉइज़ रिडक्शन बढ़ा सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसका कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर देंगे एंड इसका कलर नॉइज़ रिडक्शन को फुल करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स, कलर एडिटिंग करते समय हमारे जो बॉडी पार्ट रहता है उस पर भी कलर आ जाता है, तो इसका ध्यान रखना। ओके, देन क्या करना है, यहाँ पर ऑप्टिक्स वाले ऑप्शन पे आना एंड दोनों को ऑन कर देना। ओके फ्रेंड्स, बस दोनों को ऑन कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो ऑन करने के बाद इस फोटो को अपने यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव टू डिवाइस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, इस फोटो को सेव करने के बाद फिर से हमको लाइटरूम एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर लेना। तो फ्रेंड्स, इस एडिटिंग को मैं बहुत ही आसान तरीके से सिखाया हूँ। आप इस टाइप की एडिटिंग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, अपने फोटो में डार्क ऑरेंज टोन डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको तो मेरा सेव हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, तो मैं सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मेरा हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ से फिर से इस फोटो को अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करके ले आना, मैं डायरेक्ट ही लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन करके आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने अपने फोटो को दोबारा से लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लिया। ओके फ्रेंड्स, देन क्या करना है, फिर से हमको लाइट वाले ऑप्शन पे चले आना है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको लाइट एडजस्ट करने में दिक्कत होती है तो फ्रेंड्स, क्या करना है, इस ऑटो एडजस्ट पे क्लिक कर दें, तो आपके कलर को ऑटोमेटिकली ही एडजस्ट कर लेगा। ओके फ्रेंड्स, इसमें देख लेना, थोड़ा सा इस ऑटो एडजस्ट में थोड़ा सा जो रहता है इसका एक्सपोजर नहीं एडजस्ट करता है।
सो फ्रेंड्स इसका एक्सपोजर है फ्रेंड्स अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा लाइट ज़्यादा, इसलिए इसका एक्सपोजर मैं माइनस की ओर रखूँगा। ओके फ्रेंड्स ऑटो एडजस्ट से आप कर सकते हो एंड इसमें थोड़ा सा फिक्स आप खुद से भी कर लेना। ओके देन फ्रेंड्स क्या करना है, हमको कलर वाले ऑप्शन पे चले आना है एंड इसका वाइब्रेंस थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। देन फ्रेंड्स क्या करना है, हमको मिक्स वाले टूल पे चले आना। ओके देन सेकेंड टूल जो हमारा फेस का कलर है उसका सेचुरेशन सिर्फ अभी माइनस करेंगे। ओके ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, तो फ्रेंड्स रहने देना एंड सेकेंड येलो टोन पे आना। ओके एंड इसका ह्यू को फुल माइनस कर देना, सॉरी फ्रेंड्स फुल नहीं करना है, थोड़ा सा करना है। तो एंड इसका सिचुएशन थोड़ा सा माइनस की ओर रखेंगे। ओके फ्रेंड्स एंड ग्रीन टोन पे आना एंड इसका सिचुएशन को फुल माइनस कर देंगे। ओके फ्रेंड्स तो आप देख सकते हो हमारे फोटो में किस तरीके से यहाँ पर आ चुका है डार्क टोन। ओके फ्रेंड्स डार्क ऑरेंज टोन आ चुका है, देख सकते हो फ्रेंड्स हमारा जो बैकग्राउंड एंड टी शर्ट भी मैच कर चुका है। एंड फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ से इनको इस फिफ्थ वाले टूल पे आना, इसका सिचुएशन को फुल माइनस एंड ब्लू वाले टोन का भी थोड़ा सा इसका सिचुएशन इंक्रीज कर देंगे। देन फ्रेंड्स यहाँ से इसको डन कर देना। ओके एंड क्या करना फ्रेंड्स, हमको जैसे विगनेट वाले ऑप्शन पे आना है एंड इसका विगनेट को माइनस की ओर रखना है। ओके फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि फ्रेंड्स जितना माइनस होगा उतना डार्कनेस हमारे फोटो में आएगा। ओके एंड क्या करना है फ्रेंड्स, इसका क्लियरिटी है फ्रेंड्स थोड़ा सा बढ़ा देना एंड टेक्स्चर को इंक्रीज कर देना, 6 रख लेना है। एंड देन फ्रेंड्स शार्पनिंग वाले ऑप्शन पे आके इसका शार्पनिंग को इंक्रीज करके फ्रेंड्स थोड़ा सा करना है एंड नॉइज रिडक्शन को फुल, सॉरी फ्रेंड्स 26 कर लेना है। एंड फ्रेंड्स कलर नॉइज रिडक्शन को भी फुल कर देना है, जिससे हमारा जो फालतू जो पार्ट पे कलर आया रहेगा वो हट जाएगा। फ्रेंड्स देख सकते हो इस टाइप से आप अपनी फोटो में दे सकते हो डार्क टोन। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो, पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना। ओके फ्रेंड्स तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।